कहाँ जा रही हो? मैं तो आया था कि कुछ बैठ के बातें करेंगे। घर जा रही हूँ। क्यों, इतनी जल्दी क्यों? तुम ना अपनी कजन को समझा लो अच्छी तरह। कौन सी कजन? तुम्हारे कितने कजन है? गेती की बात कर रही हूँ। क्यों, क्या कह रही थी वो? नहीं कुछ कह नहीं रही थी, मुझे ना उसे धमकी दे रही थी वो। कैसी धमकी? यही कि मैं शम्स से दूर रहूं वरना उससे बुरा कोई नहीं होगा। अरे उसे छोड़ो यार, जब तुम मैं राजी तो क्या बस करेगा? करो शम्स, गेती को जाके साफ साफ बता दो, घर वालों को भी, और अगर तुम्हें हिम्मत नहीं है ना तो मैं खुद कुछ कर लूंगी। तुम क्या करोगी? नसरीन ने ऐसे गीती के बारे में और क्या क्या बताया? ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई है ना इसने मुझे। अच्छा, वाह भाई वाह, हमें भी सुनाओ कहानियां। भैया मुझे किताबें चाहिए। जी कौन सी किताबें? पढ़ने लिखने वाली। मेरा मतलब है किस जमात की? जिसको पढ़ के बस नौकरी मिल जाए। मैडम आपने कौन सी जमात में दाखला लिया है? किताबें ले लूं फिर दाखला भी ले लूंगी। देखिए मैडम, पहले आपको दाखला लेना होगा तभी पता चलेगा कि कौन सी किताबें चाहिए आपको। अच्छा वो मेरी कजन है ना, वो कर रही है बस CCS। CCS या CSS? हाँ भाई वो CSS, समझ आ गई है ना? इसका मतलब है आपने BA या BSc तो किया हुआ है। अरे भैया एक दफा नौकरी मिल जाए ये BA BSc सब कर लूंगी। मजीद देखना जरा मैडम क्या चाह रही है। एक्सक्यूज मी। जी मजीद, CSS की किताबें चाहिए। क्या कर सकते हैं? क्या हाल है? कौन हो तुम? अरे तू चल तो सही, तुझे बताता हूं मैं। आ जा। तुम साबिर साहब के बेटे हो? हाँ लेकिन तुम लोग कौन हो? नाम क्या है तुम्हारा? माजिद नाम है। कोई भाई भाई है? हाँ है, लेकिन आप लोग कौन है और क्यों पूछ रहे हैं? तुमसे जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। कितनी उम्र है उसकी? उम्र बस 4 साल बड़ा होगा मुझसे। ये वही लड़का है? तुम गेती को जानते हो? गेती? कौन गेती? मैं नहीं जानता। ये वही लड़का है। मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। तो हाजरा की शादी भी कहीं और हो गई है। क्या सच है कि तुम्हें गेती ने पकड़वाया था? हाँ, अब्बा दफ्तर छोड़ के मुझे पकड़ने आ गए थे। तुमने ऐसा क्या किया था? मैं वो हाजरा के साथ CBU पे बैठ के आइसक्रीम खा रहा था। तुम्हें क्यों पकड़वाया? क्योंकि गेती चाहती थी मैं उससे शादी करूं।